तीन जादुई चोर। राजू, सुमित और सोहन तीनों बहुत अच्छे मित्र थे। तीनों अपनी पढ़ाई खत्म करके नौकरी ढूंढने में लग जाते हैं। तीनों रोज सुबह अपनी नौकरी की तलाश में निकलते हैं, लेकिन रात को निराश होकर ही घर लौटते हैं। अरे यारो, क्या करे, नौकरी ढूंढते ढूंढते इतने दिन हो गए, कैसी भी नौकरी नहीं मिल रही। हाँ भाई, हमारी तो पढ़ाई लिखाई भी सब बेकार चली गई। इतना पढ़ने लिखने के बाद भी हमें नौकरी नहीं मिल रही। सोहन भाई, आजकल पढ़ाई से कुछ नहीं होता, पैसे भी होना चाहिए। यह बात तो सही है, रिश्वत से ही सारे काम होते हैं, पैसे फेंको तमाशा देखो। समझ नहीं आ रहा, करे तो क्या करे, गांव से भी लगातार फोन आते रहते हैं, रोज पूछते हैं कि मिल गई नौकरी, कब कमाना शुरू करोगे, और यह सारी बातें सुन सुनकर दिमाग खराब हो जाता है। कहां से दूं पैसे, चोरी करूं या किसी के घर में डाका डालूं। भाई, अगर यही सब रहा तो हमें चोरी ही करनी पड़ेगी। हाँ सोहन भाई, तुम सही बोल रहे हो, मुझे तो लगता है कि हमें यही काम करना चाहिए, ईमानदारी में कुछ नहीं रखा, क्यों ना हम तीनों ही मिलकर चोरी करें। राजू की बातों से सोहन राजी हो जाता है, लेकिन सुमित गुस्से में आ जाता है। फिर राजू और सोहन सुमित को उसके ऐसे ऐसे परेशानियां गिनाते हैं कि जिससे सुमित भी चोरी के लिए राजी हो जाता है। फिर अगली ही रात को। हाँ भाई, तो तुम दोनों तैयार हो ना अपने अपने काम पर निकलने के लिए। हाँ हाँ, हम तैयार है। फिर तीनों दोस्त चोरी करने के लिए एक बुढ़िया के घर में घुस जाते हैं। अरे भाइयों, मुझे लगता है इस घर में कोई नहीं है, हमारे लिए चोरी करना आसान हो जाएगा। तभी एक बुढ़िया खांसते हुए कमरे से बाहर निकलती है। बूढ़ी औरत बाहर आकर खांसते खांसते बोलती है, हे भगवान, कैसी जिंदगी है कि अगर प्यास लगे तो पानी पकड़ाने वाला भी कोई नहीं है, चलो जैसी भगवान की इच्छा। बुढ़िया ऐसा बोलकर पानी पीकर अपने कमरे में चली जाती है। अरे यह तो बहुत बूढ़ी है, बिचारी कितनी परेशान है। हाँ हाँ, हमें भी दिख रहा है, तू चुपचाप जा, अगर आवाज गई तो बेकार में पकड़े जाएंगे। फिर वो तीनों उस बूढ़ी औरत का सोने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी वो बूढ़ी औरत सोने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आह, बहुत बेचैनी हो रही है, नींद भी आने का नाम नहीं ले रही, पर नींद आएगी भी कैसे, जब तक ये पैसे बैंक में जमा नहीं होंगे तब तक मुझे चैन की सांस नहीं आएगी। आखिर एक यही तो है मेरे बुढ़ापे का सहारा, जिससे मैं अपना बचा कुचा वक्त गुजार सकती हूँ, वरना तो मुझ जैसी बूढ़ी औरत को कौन आकर पूछेगा। राजू भाई, यह बूढ़ी औरत खुद ही परेशान है, अगर हमने इसके पैसे चुरा लिए तो बेचारी हमें बहुत बददुआई देगी। हाँ भाई, तुम सही बोल रहे हो, बेचारी ने अपने बुरे समय के लिए पैसे रख रखे हैं। उन दोनों की बात सुनकर राजू का भी चोरी करने का मन बदल जाता है, और फिर वो तीनों वहाँ से जाकर किसी और घर में चोरी करने के लिए जाते हैं। वहाँ चोरी करने के लिए जैसे ही घुसते हैं, वहाँ एक बूढ़ा आदमी चारपाई पर लेटा हुआ था। वहीं उसके पास खड़ी एक बूढ़ी औरत अपने जवान बेटे से बात कर रही थी। ये सोना बेचकर हम तुम्हारे पिताजी का इलाज करवा देंगे। फिर वो बूढ़ी औरत जोर जोर से रोने लगती है, और ये पूरी परेशानी तीनों दोस्त देख रहे थे, और देखते देखते तीनों भी बहुत परेशान हो जाते हैं, और वहाँ से भी बिना चोरी करे वापस आ जाते हैं, और आकर वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उस पेड़ के नीचे एक टूटी हुई मूर्ति रखी थी। भाई, यह काम हमारे बस की नहीं है, हम चोरी नहीं कर सकते, चोरी करना कोई आसान काम नहीं है। हाँ भाई, सही बोल रहे हो, तो फिर अब हम क्या करेंगे। करेंगे क्या, कल फिर चोरी करेंगे, लेकिन कल किसी अमीर घर में चोरी करने चलेंगे, जिन्हें हमारी चोरी करने से कोई फर्क ना पड़े। ये बोलकर सोहन सोच में पड़ जाता है। अब तुम किस सोच में पड़ गए। मैं सोच रहा हूँ कि काश मेरे पास ऐसी कोई शक्ति होती जिससे मैं काला धन कमाने वाले लोग और जो गलत तरीके से पैसे कमाते हैं उनका पता लगा सकूं, फिर हम उसी घर में जाकर चोरी करेंगे। हाँ, और मुझे कोई ऐसी शक्ति मिल जाती जिससे हम चोरी करके आसानी से गायब हो जाते और कोई हमें देख नहीं पाता। राजू हंसते हुए बोलता है, हाँ और मुझे भी ऐसी शक्ति मिल जाती कि मैं उसके अलमारी की तिजोरी का आसानी से ताला तोड़कर
चोरी कर लेता। और ये बोलकर तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी मूर्ति से आवाज आती है, तथास्तु। तीनों वो आवाज सुनकर डर जाते हैं और डरकर वो तीनों अपने घर चले जाते हैं। घर जाकर तीनों सो जाते हैं और अगले दिन सुबह उठकर, अरे भाई, मुझे कल रात को एक ऐसा घर सपने में दिखाई दिया जिसमें बहुत सारे काला धन थे। अरे सोहन भाई, यह तो सिर्फ एक सपना था जो हम बचपन में देखा करते थे और खेलते थे, पर अब ऐसा कुछ नहीं होता। ये बोलकर सोहन खूब जोर जोर से हंसने लगता है। क्या पता भाई, सच हो जाए, एक बार कोशिश तो करके देखते हैं। जो जगह सोहन भाई ने कल रात को सपने में देखी है, आज हम उसी जगह पर जाएंगे, क्या पता सपना सच हो जाए। ठीक है राजू, तुम कहते हो तो वहीं चलते हैं। फिर वो रात होने का इंतजार करने लगते हैं। उस रात तीनों उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जो उन्होंने सपनों में देखी थी। सोहन भाई, मुझे तो तुम्हारा सपना सच होता लग रहा है। चलो पहले अंदर चलते हैं, लेकिन एक बार सुमित भाई तो तेरी शक्ति चेक कर ले, या वह भी नकली है। सुमित अपनी शक्ति को चेक करने के लिए चौकीदार के सामने से गुजरता है। सुमित चौकीदार के सामने से निकलकर चला जाता है, लेकिन चौकीदार एकदम शांत वैसे ही बैठा हुआ था जैसा कि उसने कुछ देखा ही नहीं। अरे मैं तो चौकीदार को दिखाई ही नहीं दे रहा। सुमित राजू और सोहन का हाथ पकड़कर अंदर ले जाता है। सुमित का हाथ पकड़ते ही दोनों गायब हो जाते हैं और वो तीनों आसानी से अंदर चले जाते हैं। राजू भाई, मेरा और सोहन का तो काम हो गया, अब आपकी बारी है। जैसे ही राजू ने तिजोरी को हाथ लगाया, उसका लॉक अपने आप ही खुल गया। राजू, सोहन और सुमित तीनों वहां से पैसा भरकर अदृश्य हो गए और अपने रूम पर आने के बाद, यह तो बहुत सारे पैसे हैं। हाँ, मैंने तो अपनी जिंदगी में पहली बार इतने सारे पैसे देखे हैं। मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम इस पैसों से गरीबों की मदद करें। हाँ, तुम बोल तो सही रहे हो। फिर जब भी कोई किसी से रिश्वत लेता है तो वो उसी के घर पर जाकर तीनों चोरी कर लेते हैं और लाकर गरीबों की मदद करते हैं। फिर एक दिन, सोहन भाई, आज आज कुछ ऐसे अमीर इंसानों का घर सपने में देखा जिससे उस बच्चे के दिल का ऑपरेशन हो सके। उस छोटी सी बच्ची के ऑपरेशन में बहुत पैसे चाहिए, तुम्हें पता है ना? अरे हाँ हाँ, मुझे पता है, लेकिन यह मेरे हाथ में थोड़ी ना है जो मेरी शक्ति मुझे दिखाएगी, मुझे तो वही देखना पड़ता है। अब तक हमने जितने भी चोरी की है उससे कई ज्यादा बड़ी चोरी करनी पड़ेगी हमको उस बच्चे के ऑपरेशन के लिए। वो ये तीनों बातें कर ही रहे होते हैं कि उनके घर की खिड़की से एक पुलिस वाला उन तीनों की सारी बातें सुन लेता है और चोरी की बात सुनकर उन तीनों को पकड़कर पुलिस स्टेशन में ले जाकर बंद कर देता है। हाँ, अब बताओ कि कौन सी चोरी की बात कर रहे थे तुम तीनों वहाँ, और तुम सपना देखकर चोरी करते हो, यह सब क्या माजरा है? पुलिस वाला ऐसा बोलते हुए डंडा दिखाने लगता है तो वो तीनों डर जाते हैं। फिर तीनों अपनी अपनी शक्तियों के बारे में उस पुलिस वाले को बता देते हैं और साथ ही में चोरी करने के बाद गरीबों की मदद करते हैं ये भी बता देते हैं। अच्छा, तो तुम लोग चोरी करके गरीबों की मदद करते हो, अगर यह बात गलत निकली तो तुम तीनों को अच्छे से रिमांड पर लूंगा। फिर पुलिस उसी जगह पर जाकर गरीबों से पूछताछ करने लगता है। फिर उसे पूछकर उन तीनों की बातों पर विश्वास होने लगता है और वो उन तीनों को छोड़ देता है। तुम अच्छे तीन चोर हो जो तुम दूसरों की मदद करने के लिए चोरी करते हो। तुम चोरी करने के साथ साथ एक अच्छे काम भी कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। पर चोरी करते समय किसी गरीब की चोरी मत करना, वरना तुम्हें बहुत बददुआई लगेगी। अब जाओ यहाँ से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।